कैसे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली आज मैं अपना जो है चौथा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो संडे का टाइम था, मैंने सोचा चलो ब्लॉग शूट कर लिया जाए। ये छोटा सा गरीब खाना है। तो हम एक्चुअली लोगों का ये कहना था कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी हिस्ट्री क्या है। तो बड़ी सेंसिटिव कहानी है, कभी सोचा नहीं था कि मैं कैमरे पर रख पाऊंगा, लेकिन कैमरे पर रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप समझ पाओ कि एक फैमिली में जब आप बचपन से लेकर आप बढ़ते हो तो किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे स्ट्रगलिंग का सामना करना पड़ता है। तो कहानी में बताना चाहूँगा कि मेरी फैमिली में अम्मी, अब्बू, तीन सिस्टर, एक मैं, सबसे छोटा मैं हूँ। तीन सिस्टर बड़ी हैं, तीनों की मैरिज हो चुकी है, अपने अपने लाइफ में सबसे सेटल हैं, एक निकम्मा मैं ही रह गई हूँ। उसके बाद बचपन में बताते हैं कि जब मैं 2 साल का था तो एक्चुअली अम्मी पापा छोड़ के चले गए थे, और इसको एक्चुअली हमें जो पाला है वो हमारे दादा दादी ने पाला है। तो ये कह सकते हो कि जब मैं 2 साल का था तो अम्मी पापा छोड़ के चले गए थे, तो मेरी बहनें यहीं थी तीनों, मैं यहीं था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अम्मी पापा इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि पापा ड्रिंक करते थे। अब इस बात में कितनी क्लैरिटी है, ना तो कभी दादा ने बताया ना दादी ने बताया, लेकिन हमें ये लग चुका था कि अब हमारे पापा इस दुनिया में नहीं है, हमारे अम्मी पापा दुनिया में नहीं है। 2 साल, जब मैं 2 साल का था, बाद लास्ट टाइम में जब अपने मम्मी पापा से मिला था तो एटलीस्ट 17 साल बाद, यानी जब मैं 19 साल का था, अभी दो तीन तीन चार साल पहले की बात है, जब 19 साल का हुआ तो मैं अपनी अम्मी पापा से मिल पाया। तो एक्चुअली वो आगरा सेटल थे। तो जो 17 साल का जो सफ़र है जो हमने बिना अम्मी पापा के काटा है, वो एक्चुअली में बड़ा बहुत ज़्यादा टफ टाइम था, और एक ऐसा टफ टाइम था जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। एक होता है ना कि आपको ये होता है कि यार आपके अम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, तो लोग आपको दूसरी नज़र से देखते हैं, लोगों को लगता है आप अनाथ हो गए, आपको कोई ताना नहीं देता क्योंकि दुनिया को पता है कि आपके अम्मी पापा नहीं हैं। लेकिन जब आपके अम्मी पापा होते हैं और आपको छोड़ के चले जाते हैं, फिर आपके जो चाचा होते हैं, चाची होते हैं, ताऊ होते हैं, ताया होते हैं, जो आपकी खाला होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, फिर वो ताना मारना शुरू कर देते हैं कि देखो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पैदा करके छोड़ के चले गए, अब तुम्हें हम पाल रहे हैं। एक्चुअली मैं हम अपने खानदान के लिए बोझ बन चुके थे, स्पेशली मैं, मेरी तीन बहन। यहाँ से हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा दौर शुरू होता है जिसकी आप कल्पना कर नहीं सकते हो। अक्सर आपने ऐसी बहुत सारी फैमिली देखी होंगी जिनकी इज्जत बाहर की दुनिया में बहुत होती है, लोग उन्हें बहुत अच्छा समझते हैं क्योंकि शायद वो नमाजी होते हैं और अच्छे अखलाक होते हैं, लेकिन शायद आप उनकी एक वो ब्लैक दुनिया के बारे में नहीं जान पाओगे, उनकी उस दुनिया के बारे में नहीं जान पाओगे जिसे कोई बताता नहीं, वो दर्द जो हमेशा जिसका माँ बाप नहीं है, बच्चे उनके गुनाह करते हैं लेकिन उन अपने बच्चों को गुनाह वो अक्सर हम पे या हमारी बहनों को थोप देते हैं। अक्सर बच्चे उनके चोरी करते हैं, यानी चाचा के बच्चे चोरी करते हैं, लेकिन वो इल्ज़ाम हम अक्सर हम पर लगा दिया जाता था। ऐसी भी कहानी, और ये मैं कहानी क्यों बता रहा हूँ, शायद इस कहानी से आप अपनी फैमिली रिलेट कर पाओ, कि मुझे लगता है हर रिश्तेदार में हर रिश्तेदार में एक ना एक बंदे की कहानी ऐसी होती है जो कहानी मेरी है। खैर, मैं और मेरी बहन का हमारा सफ़र शुरू होता है, अम्मी पापा नहीं है, ताने मिलते थे हर रिश्तेदार से कि देखो तुम्हारे अम्मी पापा नहीं है, तुम्हें पैदा करके छोड़ के चले गए। तीनों बहन बड़ी थी, स्कूल था हमारा गांव में, सबसे पहले जब मैं उठता था तो सबसे पहला काम मेरा ये था कि स्कूल में पूरे स्कूल की झाड़ू लगाने का काम मेरा था, पूरे स्कूल की झाड़ू मैं लगाता था। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं गांव में जाता था, गांव में जंगल में जाता था, तो जंगल में क्या करता था मैं कि जो अगोला होता ना, अगोले को काटना, तो उसमें गंदे की पूली बनानी पड़ती है, उसको बांधना पड़ता है, वो कंधे पर रखकर ट्रॉली में रखना पड़ता है, तो भैंसों के लिए चारा बनाना पड़ता था। उसके बाद फिर मैं दढ़ियाल अखबार लेने जाता था, तो लगभग अखबार जब लेने जाता था तो झाड़ों में जाता था, तो कई बार 10 बार गाँव में मुझे अखबार बांटना पड़ता था। यानी सुबह से लेकर मेरे 3 काम हुआ करते थे, पहला स्कूल की झाड़ू लगाना, दूसरा अगोला लेकर आना जानवरों के लिए, तीसरा अखबार लाना। उसके बाद आते आते 9-10 बज जाते थे, उसके बाद हमारा खुद का स्कूल था तो कई बार हम स्कूल जा पाते थे, कई बार लेट हुआ जाते थे, लेकिन हमारे चाचा चाची ने कभी नहीं चाहा कि हम स्कूल में पढ़ पाएँ। लेकिन कहते हैं ना कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ होती है, लेकिन फिर भी हम स्कूल ना जाने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट थे, और कहा जाता है कि मेरी बहनें और मैं सबसे ज़्यादा पढ़ाई में तेज आते थे, हमेशा तेज आते थे। ये बात उन्हें अखरती थी, हमारे चाचा चाचा चाची के बच्चों को अखरती थी कि ये बच्चे तेज कैसे हो सकते हैं। इसके बाद बहुत दौर शुरू हुआ कि मान लीजिए जब घर में बुआ आती थी तो वो चाची के बच्चों को तो पैसे नहीं देके जाती थी, लेकिन हमें नहीं देके जाती थी। उसके बाद घर में जो भी रिश्तेदार आता था वो चाचा चाची के बच्चों को पैसे देता था, हमें नहीं देता था, तो उस एज में फील होता था, आज खैर फील नहीं होता। ऐसी भी कहानी होती थी घर में कि
मतलब होता क्या था कि बहन ने चाय बनाई, लेकिन मेरी बहन ने चाय बनाई और मुझे चाय नहीं दी, अपनी चाची के बच्चों को दे दी। तो मैं गुस्सा होता था कि यार बताओ, मेरी सगी बहन चाय बना के मुझे नहीं दे रही है, ज्यादा चाची के बच्चों को देती है। लेकिन वो प्यार में बाद में समझ पाया। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब घर में खिचड़ी बन रही है, तैयारी बन रही है, तो जो दही है वो चाचा चाची के बच्चों को दिया जाता था, खाने में जो घी है वो चाचा चाची के बच्चों को डाला जाता था, लेकिन हमें नहीं डाला जाता था। लेकिन बाद में बहन ने बताया कि अरबाज मैं घी इसलिए नहीं डालती हूँ ताकि ना ये एहसास, ताकि ना ये महसूस ना हो कि देखो ये अपने सगे भाई को खाने में घी डाल रही है, सगे भाई को चाय दे रही है। तो ये सारी जिंदगी का दौर निकला है हमारे लाइफ से, हमने लाइफ को इतना टफ काटा है। एक बार मुझे ध्यान है कि किसी बात पे मेरी बहन ने मुझे बहुत पीटा, और मतलब बहुत पीटा उसने किसी बात के लिए, और मैं नाराज भी हो गया, मतलब मेरी बहन मुझे पीट रही है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं शाम को आई और उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए, बोले जल अपने लिए कपड़े ले आने, और कपड़े ले गई तो, और उसके बाद वो खुद परेशान होने लगी कि चल अरबाज ने खाना खाया नहीं खाया। फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरी बहन ने भी मेरे साथ खाना नहीं खाया। उस पल को सोचता हूँ तो वो पल मुझे ऐसा लगता है कि एक बहन का प्यार ना आपको बाद में समझ में आता है, उस समय समझ में नहीं आता। अभी मेरे हाथ कांप रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक्चुअली भाई बहन का प्यार ऐसा होता है तो उसे कुछ समझ नहीं पाता, बाद में समझ में आता है। खाने में घी ना डालना, चाय ना देना, लगता है कि यार बहन दुश्मन हो सकती है, लेकिन एक बहन कितना प्यार करती है इसको आपको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि उसके इस बर्ताव में भी एक प्यार होता है। एक स्टेज ऐसी आई कि घर में चाची, इन्हें क्या हुआ, चाची के पैसे थे, चाचा के पैसे थे, चाची ने बिना बताए अपने मैके भेज दिए, और उसका इल्जाम जो है हमारी बहनों पर लगा दिया। ये कहानी उनके साथ होती है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। और इस कहानी में ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली माँ बाप की अहमियत क्या होती है इस दुनिया में। अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं है ना, यू आर नथिंग। हुआ क्या कि मेरी बहन पर इल्जाम लगा दिया, मैं बहुत ज़्यादा फील हुआ बहन के लिए कि यार नहीं। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि जैसा हाई स्कूल करना था तो चाचा के लड़के का भी हाई स्कूल है, मेरा भी हाई स्कूल है, तो मेरी एंट्री को जो हाई स्कूल अगर आप करोगे तो पहले आपको प्रवेश पत्र जो होता है उसको छुपा दिया, मेरा एंट्री प्रवेश पत्र छुपा दिया, और मुझसे कहा गया कि तुम हमारे लड़के के पेपर दो। पता चला कि मैंने अपने पेपर नहीं दिए, अपने चाचा के लड़के के पेपर दिए, वो पास हो गया। सेम इंटर में ऐसा हुआ, जो लोग कहते हैं ना कि जब मैं कहता हूँ हाई स्कूल पास हो, लोग कहते हैं कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए, उसकी वजह यही थी कि तो मैं पढ़ना चाहता था लेकिन हमें पढ़ाई से रोका गया। हाई स्कूल के पेपर मैंने अपने चाचा के लड़के के दिए, इंटर के पेपर मैंने चाचा के लड़के के दिए। सेम मेरी बहनों के साथ हुआ, मेरी बहन ने हाई स्कूल इंटर के बीए के पेपर जो चाची के दिए, मेरी बहन को तो इंटर में 20,000 रुपये भी मिले थे, वो एक रेंजर साइकिल में मिली थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो 20,000 रुपये भी ले लिए गए। उसके बाद मेरे रिश्तेदारों को ये लगा, चाचा चाची को, दादा दादी को ये लगा कि यार बहनें बड़ी हो रही हैं, तीनों इनकी शादी कर देनी चाहिए। अचानक 17 साल बाद जब मैं 19 साल का होता हूँ, मेरी बहन होती है 20 साल की, कोई 22 साल की, कोई 24 साल की, तो हमें पता चलता है कि तुम्हारे माँ बाप आगरा में रहते हैं। 17 साल हमने बिना माँ बाप के काट दिए, हमें कभी बताया नहीं गया कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं मर गए, हमें नहीं बताया गया कभी। अचानक जब मेरी बहन जवान हो जाती है, जब उनकी शादी की उम्र हो जाती है, तो बताया जाता है कि तुम्हारे माँ बाप आगरा रहते हैं और हम तुम्हें आगरा छोड़ के आने वाले हैं। मैं बता नहीं सकता कि एक इंसान का ये रंग हो सकता है, जिस इंसान की इज्जत बाहर समाज में इतनी है, क्या उसका एक काला रूप ये भी हो सकता है? आप बताना जरूर, क्या ये हर रिश्तेदार की कहानी होती है या मेरे साथ ही ऐसा हुआ है? तो मुझे अभी भी ध्यान है जब मेरी बहन को ये आगरा छोड़ने गए अम्मी पापा के पास, तो फर्स्ट टाइम मैंने अपने अम्मी पापा को देखा था, वो मेरे पापा का लास्ट टाइम था, यानी 1 साल बाद ही वो ख़त्म हो गए थे। तो मुझे ध्यान है अभी भी मेरे चाचा ये कहकर आए थे मेरी अम्मी से कि हम तुम्हारी लड़कियों को छोड़ के जा रहे हैं, इन लड़कियों को आप किसी फैक्ट्री में जॉब पे लगा देना। मैं बहन से बहुत नाराज था, गुस्सा करता था, लेकिन वो पल मेरा जिंदगी का ऐसा था कि यार क्या मेरी बहन इतनी बुरी हो सकती है कि क्या वो किसी फैक्ट्री में काम करेंगी? मतलब मेरे चाचा ये कहकर जा रहे हैं मेरी बहनों के लिए कि भाभी आप अपने बच्चों को किसी फैक्ट्री में लगा देना, वो पैसे कमा के ले खाएंगी। वो पल मेरी जिंदगी का बहुत बुरा पल था, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। आप यकीन मानिए मेरी तीनों बहनों ने मेहनत करी, एक ने GNM का कोर्स किया, ANM का कोर्स किया जो नर्सिंग का कोर्स होता है। आज 5 साल बाद
आज हम कहाँ हैं हम वो बताना चाहते हैं। मेरी एक बहन है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके जो हस्बैंड है वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन है, जहाज चलाते हैं। मेरी बहन खुद डॉक्टर है और उसका हॉस्पिटल मेरे नाम से आगरा में। मेरी एक बहन है जो अलीपुरा में रहती है, उनके हस्बैंड कॉलेज चलाते हैं, स्कूल नहीं चलाते कॉलेज चलाते हैं। यानी तीनों बहनों की शादी हुई और यकीन मानिए मेरे जो तीनों बहनों ही हैं, मैं आपको बता नहीं सकता वो किस स्टेज पर है। मेरे रिश्तेदारी में जितने भी मालदार लोग हैं ना, वो मेरे बहनों के सामने जीरो है। पर रहा मैं मुझ जैसे निकम्मे की बात, तो आप देख सकते हो यूट्यूब पर अच्छा काम करना, 5 लाख फॉलोअर हैं, आप लोग प्यार करते हैं, 40-50 हज़ार रुपये मैं कमा लेता हूँ। मैंने एक चीज़ सीखी जिंदगी में कि तुम्हें दुनिया में ना कोई गिरा नहीं सकता, और चाहकर तुम किसी को नहीं गिरा सकते। ये इज्जत सिलत ना अल्लाह के हाथ पे। ये जो 17 साल का जो सफर रहा है हमारा, जब हमने बिना अम्मी पापा के गुजारा है, वो हम आपसे डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। वो पल बहुत बुरा रहा है, और मैं नहीं चाहता था कि इस चीज को कभी सोशल मीडिया पर रखूं, लेकिन रखने का मकसद ये था कि हम उस गुनाह को तो काउंट कर लेते हैं कि हमने किसी को कत्ल करा है, किसी को मारा है, लेकिन क्या हम उस गुनाह को समझते हैं कि जब हमने किसी को दिल दुखाया था, किसी के अम्मी पापा उसे छोड़ के चले गए, तो हम उसे ताने मार देते? क्या हमने उन खुद के बच्चों ने कोई गुनाह करा, लेकिन हमने इल्जाम उन बच्चों पर लगाया जिसके मम्मी पापा नहीं है, इसलिए इल्जाम लगाया कि इनके मम्मी पापा प्यार भी करने वाले नहीं है? क्या हमने जो दिल तोड़ा है, जो 17 साल हमने किसी के साथ इस तरह गुनाह किया है, क्या आपको लगता है कि उसका अजाब खुदा आपको नहीं देगा? क्या वो गुनाह पे काउंट नहीं हो रहे? इस समाज का जो डबल स्टैंडर्ड है, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ। समाज में अक्सर उस इंसान की बात की जाती है गुनाह की, कि किसी ने चोरी कर ली, किसी ने डकैती कर ली, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसे तो समाज गुनाह की कैटेगरी में रखता है। लेकिन जो समाज, जो इंसान किसी का दिल तोड़ता है, उसे लोग गुनाह की कैटेगरी में क्यों नहीं रखते? वो मैं मानता हूं जो गुनाह किया है, जो आप दिल तोड़ रहे हो किसी का, किसी को ताने मार रहे हो, किसी को जलील कर रहे हो घर के अंदर, वो बाहर की दुनिया नहीं देख रही। एक पावर तो है, वो तो देख रही है ना। और एक चीज बताऊं आपको, जो इंसान गुनाह सहता है और वो अपना दूसरे के गुनाह को अल्लाह पर छोड़ देता है ना, क्योंकि अल्लाह ताला उस गुनाह को कोई नहीं देख रहा, तो सोचो वो उसका असर जो है बहुत बुरा होने वाला है। ये छोटी सी मेरी कहानी थी फैमिली की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में आज अम्मी है, अब्बू नहीं है, अब्बू खत्म हो गए, और अम्मी बहुत अच्छे हैं, और तीन बहन है, तीनों की शादी हो गई, अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन कभी मैं अपने बहनों के प्यार को नहीं समझ पाया, लेकिन बाद में समझ में आता था कि मेरी बहन है, मैं वो जो भी कर रहा हूँ। लेकिन आज एक चीज समझ में आती है, इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई सगा हो सकता है ना आपका, तो सिर्फ आपके अम्मी पापा हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता। यू आर नथिंग। अगर आपके पापा नहीं है ना, तो इस दुनिया में ना तो तुम्हारे चाचा हैं, ना चाची है, ना ताऊ है, ना खालू है, ना कोई नहीं है। 1% है अच्छे लोग, मैं सभी को ऐसे नहीं कर रहा, लेकिन आपका जो वजूद है ना, आपके पापा की वजह से है, आपके अम्मी की वजह से है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने अम्मी पापा से बहुत प्यार करें, उनका दिल ना दुखाएं कभी भी। मुझे पता है कि यार मैं इसमें ज्यादा इमोशनल हो गया, इमोशनल होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इंसान भी क्या जिसके अंदर इमोशंस ना हो। मैं खैर मिलते हैं नए बिलों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।